क्रिकेट के चाहने वाले सभी लोगों को मैं NIS क्रिकेट को शबाब कुरैशी की तरफ से जय हिंद। खिलाड़ियों, आज हम बात करेंगे कि क्रिकेटर कैसे बने, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा क्रिकेटर बनाती हैं। सबसे पहले, एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको कम उम्र में ही क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। कम उम्र में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करने से आप कम समय में अपने आप को तैयार कर पाते हैं, आपको अच्छा लंबा टाइम मिलता है अपने आप को तैयार करने का। तो सबसे पहले 7 साल से 8 साल 9 साल के अंदर आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर लें, ये बहुत स्टैंडर्ड एज है, इस एज में आप क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद सबसे जो ज़रूरी चीज़ है कि एक आप अच्छी क्रिकेट एकेडमी ढूंढें जहाँ पे सभी सुविधा हो जो आपको खेलने में मदद करें, अच्छे टर्फ विकेट्स हों, अच्छे विकेट्स हों, मैदान हो। उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ है कि अच्छा कोच आप ढूंढें, उनके मार्गदर्शन में जो है आप अपना कार्य करें और अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाएं। जब आप अच्छा कोच ढूंढ लेते हैं, उसके बाद जो आपके सबसे ज़रूरी आवश्यकता होती है वो ये है कि आपको उसके बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है कि मुझे कहाँ तक जाना है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, उसके हिसाब से आप अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो सबसे पहला आप होता है कि आप मैच खेलना स्टार्ट कर दें। जब आप मैच खेलना स्टार्ट करते हैं तो कोशिश करें आप प्रतियोगिता तक पहुँच जाएँ। जब आप प्रतियोगिता तक पहुँच जाते हैं तो प्रतियोगिता जो है आपको एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए तैयार करती है। कोच का मार्गदर्शन लेते रहें इस चीज़ के लिए। कोच का कार्य है कि वो खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा मैच अवेलेबल कराएं। इसके बाद जब आप अच्छे से मैच खेलते रहते हैं, प्रतियोगिताएं खेलते रहते हैं, उसके बाद आपका काम है कि अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से क्रिकेट खेल के लिए तैयार करना है। तो आप अपने आप को पूरी तरीके से जिस जगह में आप जाना चाहते हैं उस लेवल के हिसाब से अपने आप को आप तैयार करें। उसके बाद जब आप आते हैं, टाइम मैनेजमेंट की बात आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको पढ़ना भी है, आपको खेलना भी है, आपको घर के काम भी करना है, तो ये सब चीज़ों में आप व्यस्त होते हैं। तो उसके लिए आपको एक अच्छा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, तो आप अच्छा टाइम मैनेजमेंट का इस्तेमाल करें। इसके बाद जो ज़रूरी चीज़ आती है, आप अपना धैर्य जो है उसको बनाए रखें, निरंतर आप अभ्यास करें, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो इससे आपका रिजल्ट बहुत बेटर होगा। इसके बाद जो पॉइंट आता है, आपको अपना जो क्लासेस हैं, अपनी जो एकेडमी है, उसको बंक नहीं करना है, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, हर स्किल पे आपको कार्य करना है, उसके लिए आपको रेगुलर एकेडमी आना होगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको ट्रेनिंग, डाइट, रिकवरी, ये तीनों चीज़ पे साथ पे काम करना पड़ेगा। अच्छी ट्रेनिंग आपको आगे की क्रिकेट के लिए तैयार करती है, अच्छी डाइट आपको नेक्स्ट डे के लिए अच्छे खेलने के लिए तैयार करती है, आपको मसल्स के इंजर्ड होने से बचाती है, अच्छी रिकवरी आपके कॉन्सेंट्रेशन को का लेवल को और बढ़ाती है। तो जिससे आप अच्छी क्रिकेट को खेलने के लिए आगे बढ़ते जाते हैं बगैर इंजर्ड हुए, बगैर बीमार हुए। तो ये ट्रेनिंग, डाइट, रिकवरी का भी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितनी चीज़ें आपको बताई गई है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको ये सब चीज़ों को करने के लिए अपना धैर्य बना के रखना होगा। अगर आप अपना धैर्य रखते हैं, सब्र रखते हैं और निरंतर अभ्यास करते रहते हैं, अच्छी कोचिंग के अंतर्गत, अच्छे कोच के अंतर्गत, सभी सुविधाओं के साथ, मैचेस के साथ जो आपको बताया गया है उनके साथ अगर आप लगातार अभ्यास करते हैं, आप सब्र रखें, हो सकता है कभी आप पास होंगे, कभी आप फेल होंगे, पर आप अपने पास होने का इंतज़ार करते रहें और अपना धैर्य बनाए रखें। जितने की पॉइंट्स आपको बताए गए हैं, आप उन की पॉइंट्स का इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं धैर्य के लिए मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण दे सकता हूँ, हमारे भारत के विश्व स्तरीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी का, जिन्होंने काफ़ी लंबा संघर्ष किया। वो संघर्ष करते करते इतना नौकरी तक पहुँच गए, नौकरी लग गई उनकी, फिर भी वो संघर्ष करते रहे। उनका ड्रीम था क्रिकेट खेलना, क्रिकेट में अपना नाम कमाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, पर उन्होंने सब्र को और धैर्य को छोड़ा नहीं और लगातार प्रयास करते रहे। एक मुकाम ऐसा आया कि वो भारतीय टीम में शामिल हुए। भारतीय टीम में शामिल होने के साथ उनके जो अंदर हुनर था और टैलेंट था, उन्होंने अपने हुनर टैलेंट को दिखाया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को लगा कि कप्तानी के लायक है, उनको कप्तानी दी गई। 2007-2011 चैंपियन ट्रॉफी, एक अकेला कप्तान बना जो विश्व स्तर पे ICC की तीनों ट्रॉफी लाने वाले कप्तान बने। तो उन्होंने अपना मकाम धैर्य से हासिल किया। तो खिलाड़ियों, आप भी अपना धैर्य बनाए रखें और अपने वक्त का इंतज़ार करें। धन्यवाद।